तो रात में दिक्कत हो जाता है, रात में गाड़ी चलता नहीं, फाका हो जाता है, तो थोड़ा डर का जैसा लगता है, क्यों जानवर वो चक्कर में। दोस्तों अभी हम लोग रांची पहुंच चुके हैं और नए वाले बाईपास में हम लोग जा रहे हैं अभी मुड़ने के लिए। तो ये बाईपास अभी एकदम नया नया बना है। अच्छा इसमें तो दिख रहा है जो पुलिया से भी गाड़ी है वो आना जाना कर रहा है ऊपर पुलिया से। दोस्तों रोड का तो काम चल ही रहा है, देख सकते हैं काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग जगह पे आ गए जहाँ पे हमारा गाड़ी खाली होगा, ये देखिए पूरा माल अभी उतर रहा है। दोस्तों आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहा था मतलब सैलरी को लेकर के, डाला गाड़ी और इसमें फर्क। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग रांची का माल भरे थे, तो रांची हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो अभी सामने खुट्टी बाजार आने वाला है, तो खुट्टी बाजार क्रॉस करके फिर रांची जाएंगे। तो उम्मीद है कि मेरा गाड़ी आज खाली हो जाएगा क्योंकि टाइम भी ठीक है, पार्टी से बात भी कर लेंगे, अभी खुट्टी पार करने के बाद बात करेंगे। और देख सकते दोस्तों ये पूरा जंगल एरिया है और सामने जो गाड़ी आपको दिख रहा ब्रेकडाउन, तो हम ड्राइवर लोग साथ में यही समय दिक्कत होता है, अगर कोई बाजार उजार में गाड़ी ब्रेकडाउन होता है तो खाने पीने का दिक्कत नहीं होता है। अब जैसे वो ड्राइवर साहब गाड़ी ख़राब हो गया है तो यहाँ पर अगर उनको पानी की ज़रूरत हो कुछ हो तो कुछ बोतल या बाल्टी लेकर के रोड पे गाड़ी वाला इशारा करता है तो हम लोग पानी देते हैं। पीछे भी एक हुआ था तो हम दिए थे पानी, तो यहाँ पर ड्राइवर साहब दिख नहीं रहे अभी, लगता है मिस्त्री बुलाने गए हुए हैं। तो रात में दिक्कत हो जाता है, रात में गाड़ी चलता नहीं, फाँका हो जाता है, तो थोड़ा डर का जैसा लगता है क्योंकि जानवर वो चक्कर में, बहुत बार हाथी वगैरह भी आ जाता है तो भालू वगैरह है तो डर थोड़ा लगता है, थोड़ा किसी को भी लगेगा भाई, हमको खुद भी लगता है यार इस सब चीज़ से। तो जंगल एरिया में थोड़ा गाड़ी खराब होने के बाद हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी बना कर निकाल लें यहाँ से। गए थे गाड़ी के पास हम लोग देखने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं, ड्राइवर से मिलने गए थे लेकिन कोई है नहीं गाड़ी में। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से खुट्टी बाजार पार करके फिर रांची पहुँचते खाली करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग खुट्टी बाजार आ चुके हैं, ये सामने खुट्टी बाजार है, बाजार तो है छोटा सा ही लेकिन ये ऐसा बाजार है कि सब जिधर से भी आएंगे ना, चाहे वासा से आए, इधर से संबलपुर से आए या रांची से आए, तो सब तरफ जंगल पार करके ही बीच में ये बाज़ार पड़ता है। अब बहुत ही अच्छा बाज़ार है और ये इस बाज़ार में खूबी ये है कि खुट्टी तो खैर रांची के लोग तो जानते ही है, झारखंड लोग जानते हैं लेकिन बाहर के स्टेट के लोग नहीं जानते, लेकिन इस शहर में ऐसा है कि हर एक खिलाड़ी आपको मिलेगा यहाँ पर। हम लोग पहले जाते थे जब उड़ीसा यहाँ से ईटा भर के जाते थे, उधर से गिट्टी भर के आते थे, तो बड़ा सा एक मैदान है वहाँ पर, हमेशा मतलब कुछ ना कोई मैच हो रहा है, लड़का हो या लड़की आपको जाकर दिखाई देगा, हॉकी खेलते हुए फुटबॉल मैच हो रहा है। थोड़ा चौक है, आगे से राइट कटेंगे तो टाटा चल जाएगा चगलदलपुर और बायां कटेंगे तो अपना रांची के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पे, इसका बाईपास वगैरह नहीं है। देखिए तो जाम में फंसे हुए हैं, निकल 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 जाएगा और देख सकते हैं जाम है और थोड़ा सा ऑटो वाला सभी रोड पर लगा देता है ना, क्योंकि बाजार भी छोटा सा और जगह भी नहीं कहीं और की पार्किंग लगाए। यहाँ से मुड़ेंगे हम लेफ्ट साइड, तो हम लोग रांची का रांची रोड पकड़ लिए, वहाँ से लेफ्ट मुड़ना था मुड़ गए हैं और देखिए यही है खुट्टी का मेन बाजार। दोस्तों खुट्टी बाजार तो पार कर गए और हम लोग रांची वाला रोड पर है, अब यहाँ से हमारा बाईपास आने वाला है नामकुम, वहाँ से फिर हम फोर लाइन पकड़ के, और हमको लगता है जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक अभी भी कम से कम 30-40 किलोमीटर सफर है, 30-40 में सफर पहुँचेंगे। मैनेजर से बात हुआ वहाँ, वो नंबर जो मिलता है पार्टी का नंबर, वो नंबर से बात हुआ, वही है नामकुम है अपना मूरी वाला रोड पर, वही माल खाली होगा। दोस्तों अभी हम लोग रांची पहुँच चुके हैं और नए वाले बाईपास में हम लोग जा रहे हैं अभी मुड़ने के लिए। तो ये बाईपास अभी एकदम नया नया बना है, तो ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ रामगढ़ हजारीबाग जाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये रोड एकदम डायरेक्ट मतलब उधर निकलेगा ना, सिटी के अंदर एकदम नहीं आना, सीधा बार बार वर्मा जी, सीधा वर्मा जी, तो ये रास्ता दोस्तों सीधा वर्मा जी चला जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए अभी उसी इस रोड में हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी तक हम लोग कभी नहीं आए हैं। दोस्तों ये वाला रोड का क्या कि बहुत दिन से काम चल रहा था, हम लोग इंतजार कर रहे थे जल्दी बने, पर अभी भी पूरा तो नहीं बना है, जल्दी बन जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। ये देखिए अब इस रोड में आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी खाली खाली रोड भी है पूरा। इस रोड में क्या कि मतलब जहाँ तक बना है हम लोग को लास्ट वहीं तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना था, इसीलिए हम लोग इस वाले रोड से जा रहे हैं, हमारा माल वहीं का है और वो बोले कि आज गाड़ी भी खाली कर देंगे हमारा। दोस्तों अब यहाँ से क्या है कि ये रास्ता बंद हो गया, ये इसके आगे नहीं बना है रोड, तो अभी हम लोग को इधर लेफ्ट साइड जाना है, इस वाले रास्ते में ना, किधर जाना है इधर लेफ्ट साइड में जाने के लिए बोले थे कच्चा रास्ता में, फिर उधर जाके सिटी में कोई मेन रास्ता मिलेगा तो वही देख रहे हैं अब कैसे जाना है। दोस्तों इस जगह पे तो आ गए हैं जहाँ पे हम बताया गया था कोई पुल वहाँ से बंद है और लेफ्ट साइड से भी रास्ता गया हुआ है, तो हमको लग रहा है कि अभी इधर का रोड कुछ चालू हो गया है, उसमें से भी गाड़ी सब जा रहा है, तो एक बार हम पार्टी को कॉल लगा पूछ लेते हैं कि जो ब्रिज बन गया है उस पर चढ़ के आ जाए कि नीचे से ही आना पड़ेगा। अच्छा इसमें तो दिख रहा है जो पुलिया से भी गाड़ी है वो आना जाना कर रहा है ऊपर पुलिया से,
नीचे उतरना है, नीचे उतरना है। ऊपर पुलिया नहीं चढ़ना है, एक मिनट रुकिए। ब्रिज से भी गाड़ी सब आना जाना कर रहा है दोस्तों। अभी तो कुछ रास्ता पता चला है कि ये वाला भी चालू कर दिया ऊपर से, अभी बड़ा गाड़ी देखे आया तो उसी में चलते हैं। दोस्तों रोड का तो काम चल ही रहा है, देख सकते हैं काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। और ये रोड बनने के बाद तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शॉर्टकट मतलब टाटा जाने के लिए, टाटा से रामगढ़ जाने के लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। इतना जो रोड मार करना पड़ता पूरा घूम के, अब मतलब रिंग रोड जैसे बोलते हैं, पूरा गोल घूम के बीच में रांची है और पूरा गोल घूम, इस टाइप का रोड हम हैदराबाद में देखे थे, हमको बहुत अच्छा लगा था। और वह हर जगह उतारने का रोड नंबर था, तो पार्टी जब भी बाल तक बात करता था तो 16 नंबर से उधर जाइएगा, 15 नंबर से उधर जाइएगा, ऐसे बात होता था। तो ये तो रोड से ही लिखा हुआ रहेगा, टाटा रोड, रामगढ़ रोड। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम जा रहे देखते हैं कहाँ तक काम हुआ है। अभी दोस्तों अभी हम लोग फैक्ट्री जाने वाले रास्ते पे आ चुके हैं और ये लोग साथ में जाएंगे, आइए अब ये लोग रास्ता बताएंगे। रास्ता नहीं, हम लोग कंपनी का ड्राइवर है हम। अच्छा अच्छा अच्छा, टाटी सिल्वर थाना बोलने से चल जाता। हाँ कोई चीज कोई बताइए नहीं रहा है। टाटी सिल्वर थाना दुर्गा मंदिर चले, नेके हेलमेट गया, जिसे जिसे रोड जा रहे चलिए इसमें जाना ना। हाँ जिसे जिसे रोड जा रहे है ना, ये लोग का एड्रेस बता दीजिए ना कि टाटी सिल्वर थाना। हाँ तो कोई बताई नहीं थाना, उसे बोलता था थाना तो कोई आदमी जानता है। दोस्तों अभी हम लोग जगह पे आ गए जहाँ पे हमारा गाड़ी खाली होगा। ये देखिए पूरा माल अभी उतर रहा है, गाड़ी का पीछे का दरवाजा भी खोल दिया आराम से। अब कितना टाइम लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि भैया लोग हैं, कितना टाइम लगाइएगा? 2 घंटा लग जाएगा, 2-3 घंटा टाइम से हो जाएगा। 2 घंटा चलिए 2 घंटा में बोल रहे हैं। लंच हो गया अभी, लंच खत्म हो गया, आ रहा है, आ रहा है ना, चलिए बोल रहे हैं लंच खत्म हो गया, अब जल्दी जल्दी खाली करेंगे ये लोग। दोस्तों अभी दूसरे गाड़ी में माल क्रॉसिंग होगा, जितना ये लोग उतारना था उतार लिए। ये देखिए ये जो गाड़ी है इस पर क्रॉसिंग होगा, या फिर शायद वहाँ पीछे एक लगा है, तो अभी पापा को थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बोले हैं वहाँ पे, उसके बाद वो गाड़ी लग जाएगा। ये देखिए इतना माल अभी उतर गया हमारा, यही गाड़ी लगेगा पीछे। ये देखिए अभी इतना माल खाली हुआ है हमारा, अभी तो बहुत माल है, पूरा ठूस ठूस कर भरे थे। अब ये गाड़ी लगेगा, छोटा वाला कंटेनर, ये सब भी देखिए इतना छोटा कंटेनर, तो आप इसमें करिएगा ना माल पूरा। चलिए अभी माल इस पे पलटी हो जाएगा, तो ये तो तुरंत भर जाएगा, उसके बाद फिर इसके बाद कंपनी में खाली होगा, फिर कंपनी में करिएगा। तो अभी ऐसे ही करके दोस्तों धीरे धीरे माल खाली होगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी। दोस्तों अभी रात का 9 बज चुका है और हमारा गाड़ी अभी खाली हो ही रहा है, थोड़ा सा माल बचा हुआ, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा माल बचा हुआ है, ये खाली हो जाएगा, ये चीज है की खाली हो जाएगा। असल में क्या होता है, ये सब माल जो पैकेट में था कुरकुरे, मेरे तो बड़ा गाड़ी है तो कंपनी का छोटा गाड़ी है, अलग अलग जगह देना ही पड़ता है, तो कुछ फैक्ट्री भी है और अलग अलग देना है माल, तो थोड़ा थोड़ा करके मेरा माल कुछ कंपनी का माल मिक्स करके पार्टी को दिया जा रहा है, तो वही हम लोग इंतजार कर, जैसे जिसको जरूरत है उसे लेके जा रहा है, अपना पीछे क्रॉसिंग कर रहा है, लेके जा रहा है। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी खाली हो गया, रिसीविंग वगैरह सब कुछ मिल गया है, तो अब गाड़ी लेके हम लोग निकल चुके हैं। दोस्तों अभी लोग निकल गए रामगढ़ के लिए, और देख सकते हैं ये जो पुल टेस आपको दिख रहा है बंद पड़ा हुआ, और हमारे यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको पता है कि बंद पड़ा हुआ कोई पुल टेस है नहीं, सब चालू है। तो ये रोड कौन सा है जो हम लोग रामगढ़ से जब जाते हैं आते हैं रांची के लिए, तो चौक है जहाँ से दहना घूम जाते हैं हम लोग, बाईपास होते हुए गुमला होते हुए टाटा जाते हैं, तो वो नहीं, अब वहाँ से बायां रोड चालू हो गया है। सुबह सुबह रोड से जो हम लोग आ रहे थे वही रोड जो है पूरा राउंड, मतलब रांची पूरा गोल हो चुका है, पूरा रिंग रोड जिसको बोलते हैं पूरा राउंड हो चुका है। तो अगर जमशेदपुर जाने वाला गाड़ी है जो हजारीबाग से आता है रामगढ़ से, वो चौक आते ही लेफ्ट हो जाए तो ये आपको बहुत ही नज़दीक पड़ेगा। तो हमको भी ये चीज़ मालूम नहीं था, तो जहाँ हम खाली किए वहाँ पर बताए सब कि ये रोड अब चालू है, आप इसमें जा सकते हैं। टोल टैक्स अभी बंद है, चालू नहीं हुआ, देख सकते हैं टोल टैक्स है सामने, अभी तक चालू नहीं हुआ। तो ये रोड थोड़ा बहुत कहीं पर है लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, जो पुल जो है अब लग रहा है कि हमको 1-2 महीना में पूरा का पूरा रनिंग हो जाएगा, लेकिन गाड़ी आना जाना चालू है। हम बड़ा बड़ा टेलर वगैरह ट्रक वगैरह सब देख रहे इसी पे चल रहा है। दोस्तों रांची में तो ऐसे भी ठंड पड़ता है लेकिन ये बारिश होकर के थोड़ा और ठंड को बढ़ा दिया है यहाँ पे आज, मतलब उतना तेज तो बारिश नहीं लेकिन बूंदा बूंदी पूरा चालू हो गया, रोड भी पूरा गीला हो गया। अभी हम नया रोड पर ही है, मतलब यहाँ पर ऐसे भी ठंडा तो था ही, और ठंडा थोड़ा कम हो रहा था तो बारिश के कारण बहुत तेज हो गया थोड़ा, हम लोग भी पूरा जैकेट वगैरह डाल लिए। दोस्तों देखिए यही चौक पे हम आ चुके हैं, ये अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो अपना कांटा टोली रोड हो जाता है, और ये सीधा जाएंगे तो लोहरदगा गुमला वाला पुराना वाला जो बाईपास है वो, अभी हम लोग को राइट मुड़ना है। ये लग रहा है यहाँ टेंट वगैरह बन रहा है, लग रहा है कि 1-2 दिन में इसका उद्घाटन है यहाँ पे। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम लोग एक होटल में आ गए हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं कि रात में हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, फिर सुबह सुबह यहाँ से आगे जाएंगे। तो ये देखिए बहुत सारा गाड़ी भी यहाँ पे खड़ा था,
और ये सामने होटल है, तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग खाने के लिए। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और इधर भी पूरा है, यहाँ पे गार्ड जी थे इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में खाने के लिए, तो ये देख सकते हैं हम ऑर्डर किए हैं अपना अंडा भुजिया और पापा अंडा करी। तो ये होटल में क्या है कि बहुत ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, खाली खाली है, सभी लोग सो ही गए, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ठीक है दोस्तों अभी खाना खाते हैं हम लोग, फिर जाके जल्दी सो जाते हैं। दोस्तों खाना खा के आ गए हम लोग और हम लोग यहाँ पर सोने वाले अभी। दोस्तों आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहा था मतलब सैलरी के लेकर के, डाला गाड़ी और इसमें फर्क है। डाला गाड़ी में क्या है कि आपका तनख्वाह का फिक्स रहता था और चक्कर का जो खर्चा था उसमें अपना बचता था, तो करीब 25,000-30,000 इतना तक में टारगेट में आ जाता डाला गाड़ी में। और इसमें भी क्या है कि इसमें भी वही टारगेट है, हमको जो जाने का खर्चा जो मिलता है तो घुमा फिरा के वही आ जाता है, सिर्फ 5-10 मतलब कि 2-4 हजार का आगे पीछे का होता है। तो हमको ये कंटेनर गाड़ी में अच्छा लग रहा है, तो हमको यही ठीक लग रहा है इसमें, तो ज्यादा फर्क नहीं है डाला गाड़ी और इसमें। इसमें कि थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा बाहर जाता है लॉन्ग टूर में, अब बहुत सा ड्राइवर चला नहीं चाहता बाहर, तो वो आदमी डाला गाड़ी में ही फिक्स बंधा हुआ है यहाँ से वहां तक का। तो हम तो भाई शुरू से बाहर ही चले हमेशा, कहीं भी भेज दो कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही हम लोग का बचत है, हम लोग का मतलब कितनों भी कोई सा भी गाड़ी चला ले आज के जवान ड्राइवर तो 25-30 उससे ज्यादा नहीं होने वाला, 20 से स्टार्ट होता है, 20 से नीचे कोई गाड़ी चला नहीं सकता ड्राइवर, और 20 के प्लस ही गाड़ी चलाएगा, 25,000-30,000 तो उतने में ड्राइवर खुश होता है। तो यही हम ड्राइवर लोग का बचत होता है गाड़ी में। ठीक है दोस्तों अब जा रहे सोने के लिए, तो इस ब्लॉग को यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।